कराची शहर का एक ऐसा दादागीर, एक ऐसा बदमाश जिसने अपने बहुत सारे मुखालिफों पर और अपने सियासी मुखालिफीन पर, कराची के दीगर गैंगस्टर्स पर और अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले बहुत से मुनज़्ज़म गैंग्स पर अपनी दहशत कायम की थी। लेकिन जितना वो दहशतगर्द दूसरे तमाम गैंगस्टर्स के लिए था, उससे ज़्यादा ख़तरनाक वो अपने आसपास के आम लोगों के लिए भी था। और ये ख़तरा हमेशा आसपास रहने वाले लोगों ने महसूस किया था उसकी दहशत की अलामत को। मैं बात कर रहा हूँ हाई प्रोफाइल मिलिटेंट सिद्दीक बोचा की, जिसने एमक्यूएम तंजीम की ज़ेरे दस्त अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया था। वो के वो बज़ाहिर कारकुन था एमक्यूएम बल्दिया टाउन का, लेकिन इब्तिदा से ही वो एक क्रिमिनल माइंडेड शख्सियत का हामिल था। और ना सिर्फ वो ही बल्कि उसके जितने भी भाई थे, वो भी किसी न किसी हवाले से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहे थे। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सिद्दीक बोचा हमेशा एक दहशत की अलामत रहा है। उस पर बहुत सारी FIRs थी, और बल्दिया टाउन में जब मोहम्मद फारूक पटनी उर्फ फारूक दादा अपने पूरे उरूज पर था, तो सिद्दीक बोचा भी फारूक दादा की टीम में उसके साथ शामिल था। गो के रोब व दबदबा तो बज़ाहिर फारूक दादा का था, लेकिन कहा जाता है कि दर पर्दा ज़्यादातर काम सिद्दीक बोचा ही किया करता था। और उसने चाहे पुलिस अफसरान हो या रेंजर्स के अफसरान का कत्ल हो, वो इन सब में पेश रहा था। और तो और हालात ऐसे थे उस इलाके में, ना तो कोई पुलिस जा सकती थी और ना कानून नाफिज करने वाले इदारे। बल्दिया टाउन उस वक्त दहशत की एक अलामत बना हुआ था। और ये बात है सन 1990-91 के बाद की, जब कराची में हालात ख़राब हुए और 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ था। उसके बाद से सन 1995-96-97 तक मुख्तलिफ मौक़ों पर सिद्दीक बोचा ने अपने काम किए, जो आज भी लोगों में उन वाक़यात की बाज़गश्त सुनी जाती है। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि दहशतगर्दी में, सफाकियत में, जराइम की दुनिया में अमूमन दुश्मन को खौफजदा किया जाता है, लेकिन जहां सफाकियत ज़्यादा बढ़ जाए, वहां पर दुश्मन के मुकाबले में दोस्त भी खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से कराची ने देखा कि कराची ऑपरेशन में सिद्दीक बोचा का नाम कराची के रहने वालों के सामने आता है। कहा जाता है कि मुबैना तौर पर बोचा ने 100 से ज़ायद कत्ल और इकदाम कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस रहा था। सिद्दीक बोचा एमक्यूएम बल्दिया टाउन के सेक्टर के कारकुन होने के अलावा 92 के कराची ऑपरेशन में बोचा के नाम की धूम कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में देखी गई, बिलखसूस बल्दिया टाउन और बल्दिया टाउन के बाद खज्जी ग्राउंड, जो कि एमक्यूएम का उस दौर में अकूबत खाना तसव्वुर किया जाता था। वहां पर सिद्दीक बोचा ने बहुत शोहरत हासिल की थी। और सिर्फ खज्जी ग्राउंड में ही नहीं, बल्कि सिद्दीक बोचा के नाम की गूंज औरंगी टाउन कराची में भी बहुत ज़्यादा सुनी गई। और उसके साथ साथ अलफलाह तक जाकर बोचा मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया करता था। वो बुनियादी तौर पर सफाकियत की एक अलामत बन चुका था। ना सिर्फ उसके दुश्मन बल्कि उसके दोस्त भी उससे खौफ खाते थे। और ये कहना भी गलत ना होगा कि ना सिर्फ दुश्मन, दोस्त, पार्टी के कारकुनान और उसके साथ साथ पार्टी के रहनुमा और पार्टी की जो लीडरशिप थी, वो भी बोचा को देखकर उससे कतराते थे और वो तमाम उससे बच निकलने की कोशिश किया करते थे। सिद्दीक बोचा के साथ के अफराद जिन्होंने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा था, उन लोगों का ये कहना था कि बोचा की सफाकियत तो बिल्कुल एक अलग पहलू है, इसके अलावा बोचा की जो शख्सियत थी वो भी इतनी ज़्यादा दहशतनाक थी जिसकी बुनियाद पर कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। जो उसके साथ के लड़के काम किया करते थे या जो आसपास के लोग रहा करते थे या एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले तंजीमी अहदेदार थे, कोई भी
सिद्दीक बोचा से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करता था। सिद्दीक बोचा बुनियादी तौर पर एक साइकोपैथ पर्सनैलिटी बन चुका था, जिसकी वजह से हर कोई उससे कतराता था और अमूमी तौर पर उसका रवैया हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की अलामत बनता चला जा रहा था। अगर उसको किसी के हाथ में कोई मौजूद चीज़ पसंद आ जाती थी तो चाहे वो घड़ी हो या अंगूठी हो या किसी के जेब में पैसे हैं, तो वो किसी को बिला खौफ व ख़तर रोक कर वो रकम वसूल कर लेता था या जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी वो उसको हासिल कर लिया करता था। सिद्दीक बोचा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो उस दौर में किसी और की होना नामुमकिन थी। वो बाकायदा थानों में धमकियां भिजवाता था कि पूरे थाने को वो बम से उड़ा देगा। तो ये थी सिद्दीक बोचा की पर्सनालिटी, और बोचा की जो वजह शोहरत बनी वो है उसकी सफाकियत। खज्जी ग्राउंड में सिद्दीक बोचा ने सफाकियत की नई मिसालें कायम की। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान का सर धड़ से अलग करके अपनी मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी पर रख कर पूरे कच्ची ग्राउंड के इतराफ़ में घुमाया करता था। उसके अलावा वो इंसानी अज़ा को कभी हाथों को काट कर, कभी उंगलियों को काट कर उनसे खेला करता था। प्लास्टिक की थैली में इंसानी जिस्म के गोश का लोथड़ा लेकर वो कहता था, ये एक इंसान का मगज़ है और वो घर जाकर उसे पका कर खाएगा। तो ये वो सब दहशत की अलामतें थी जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ बाहर के लोग बल्कि पुलिस वाले भी या दीगर लोग उससे खौफ खाया करते थे, बल्कि उसके साथ रहने वाले लोग उससे जान छुड़ाने की कोशिश किया करते थे। सिद्दीक बोचा ने मुबैना तौर पर लोगों को कत्ल करके उनको बोरी में बंद करके नालों में फेंक दिया करता था। जिंदा इंसानों को जलाने के बाद उनको गटरों में फेंक देता था, और यहीं से एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला उसकी मौत पर जाकर ख़त्म होता है। सिद्दीक बोचा ने बल्दिया टाउन से अपनी शुरुआत करने के बाद उसने मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियाँ लेकर बड़े बड़े गैंग को तश्कील दिया। उन लड़कों में कुछ सियासी पार्टी से वाबस्ता हुए थे तो कुछ अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वाले थे, वो भी सिद्दीक बोचा से रबते में आ गए थे। लियारी गैंग वॉर के भी काफ़ी लोग सिद्दीक बोचा के जेर असर काम करने लगे थे। कहा यह जाता है कि बाद के या उसके साथ के या आज के जो बड़े नामी ग्रामी जिनको दहशतगर्द तसव्वुर किया जाता है या पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो एक टारगेट किलिंग या जो एक टेररिज्म रहा था उस ज़माने में, उसमें नामी ग्रामी जो लोग थे जो बदमाश थे, तो ये बात भी मंसूब है कि सिद्दीक बोचा उन तमाम नामी ग्रामी अफराद का उस्ताद तसव्वुर किया जाता था। और ना सिर्फ सिद्दीक बोचा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को कह सकते हैं कि वो इस मिलिटेंसी से मंसूब रही थी। सिद्दीक बोचा का भाई गफ्फार मादा, जो फारूक दादा के साथ एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, इसी तरह से सिद्दीक बोचा का एक और एक भाई याकूब मादा सन 2001 में उस वक्त मारा जाता है जब उसके मोहल्ले के अफराद बाकायदा एक गौल एक मॉब की सूरत में उसके घर पर हमला कर देते हैं और वहां याकूब मादा को कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें याकूब मादा का एक दोस्त भी उसके साथ मारा जाता है। और ना सिर्फ सिद्दीक बोचा के भाई को कत्ल कर दिया जाता है बल्कि सिद्दीक बोचा के घर को भी नजर आतिश कर दिया गया था उस वक्त, और घर के साथ साथ जो दुकानें मौजूद थी जो उस फैमिली की मिल्कियत थी उन्हें भी जला दिया गया था, और वहां खड़ी कारें और मोटरसाइकिलें भी जला दी गई। ये सन 2001 का वो दौर था जब एमक्यूएम का मुश्किल वक्त गुजर चुका था जो कराची ऑपरेशन की सूरत में एमक्यूएम पर नाजिल हुआ था, और अब एमक्यूएम हुकूमत में शामिल होने के लिए रवा दवा थी।
हुकूमती मामलात अब एमक्यूएम की बेहतरी की तरफ आ चुके थे, तो एमक्यूएम का मिलिटेंसी का इख्तिताम था और अब एक जमहूरी सिलसिला शुरू हो चुका था। और इस दौर में बोचा जैसे अफराद की ज़रूरत अब एमक्यूएम को भी नहीं थी, जैसे पहले ऑपरेशन के दौरान इन लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो इन अफराद को पार्टी से बेदखल कर दिया गया। बुनियादी तौर पर सिद्दीक बोचा को पार्टी से निकालने की जो वजह बनती है वो है जुए सट्टे का अड्डा, और इन अड्डों को सिद्दीक बोचा और उसके भाई मिलकर चलाया करते थे। और कहा जाता है कि बल्दिया टाउन में 100 से ज़ायद अफराद या ख़ानदान थे जो इस पूरे जुए और सट्टे के कारोबार से मुंसलिक थे, और उनकी कफालत इन अड्डों से ही हुआ करती थी। इसमें ज़रूरी बात यह है कि एमक्यूएम ने जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने के बाद कोशिश की कि इन चीज़ों से इज्तनाब बढ़ता जाए और इन तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज से वाबस्ता लोगों को पार्टी से बेदखल कर दिया जाए। और जब सिद्दीक बोझा पर दबाव डाला कि उनके कारोबार को ख़त्म करें, तो उसने इसको ख़त्म करने से इनकार कर दिया। और उस वक्त के एमपीए असगर अली, उन्होंने जाकर इस गैम्बलिंग डैन को बंद करवाने की कोशिश की, तो बाकायदा वहाँ पर असगर अली के साथ सिद्दीक बोचा की लड़ाई हो गई और उसने असगर अली को थप्पड़ भी मारे। और यही वो बुनियादी वजह बनती है कि तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के ख़िलाफ़ वर्जी पर सिद्दीक बोचा को तंजीम से ख़ारिज कर दिया गया। एक वाक़या हुआ था सन 1990 के दौरान में। SHO बल्दिया सादिक साहब और उनके साथ जो मोबाइल थी, पुलिस के 6 जवान शहीद कर दिए गए। और उनको रेस्क्यू करने के लिए जब रेंजर्स की गाड़ी आई तो उसमें भी रेंजर्स के 2 अफसरान थे, जिनमें एक कैप्टन आमिर और उनकी टीम थी, तो उन पर भी हमला किया गया जिसमें कैप्टन आमिर शहीद हो गए थे। तो ये वाकया ऐसा हुआ था जिसके बाद सिद्दीक बोचा का ग्राफ अपनी क्रिमिनल कम्युनिटी में बहुत ऊपर चला गया था। उसी इलाके में एक और नौजवान रहता था जिसका नाम था शाहिद चांद, और ये भी 6 भाई थे और तमाम नौजवान थे। और शाहिद चांद की उम्र तकरीबन 22 साल की थी, और उसके साथ वफादार दोस्तों का एक ग्रुप भी था, और वो किसी को भी खातिर में नहीं लाते थे। हत्या के वहाँ एमक्यूएम का जो यूनिट या सेक्टर था और सिद्दीक बोचा की जो टीम थी या जो भी मिलिटेंट उस इलाके में थे, तो शाहिद चांद और उसके दोस्त किसी को भी खातिर में नहीं लाते थे। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वो हाथ छुट भी थे, वो डरते भी नहीं थे किसी से और बेखौफ थे। तो इस हवाले से हर किसी की ये ख्वाहिश होती थी कि ये लड़के उनके लिए काम करें। ख़ास तौर पर सिद्दीक बोचा और एमक्यूएम का सेक्टर मेंबर यूसुफ घांची, उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि ये लड़के उनके लिए काम करें। उन दोनों की ख्वाहिश ये थी कि या तो लड़के उनके लिए काम करें या फिर इलाका छोड़कर चले जाएं। और इसी बात पर इनकी छोटी मोटी तल्ख कलामी भी हुई और झगड़े शुरू हो गए। उस ज़माने में किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो सिद्दीक बोचा और एमक्यूएम के सेक्टर मेंबर यूसुफ घांची से सर उठाकर बात कर सके। यूसुफ घांची भी फारूक दादा के ग्रुप का एक पुराना मिलिटेंट था जो एमक्यूएम तंजीम का ओहदेदार तो था, लेकिन बहुत से केसेस थे उस पर, और वो भी मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार हुआ था। उस पर बहुत से कत्ल की FIR थी। हाई प्रोफाइल किलिंग में वो मुलव्वस रहा था, जिसमें पुलिस एहलकारों के अलावा बहुत से हसास इदारों के लोग भी उसने शहीद किए थे। शाहिद चांद का जो बुनियादी मसला रहा सिद्दीक बोचा और यूसुफ घांची के लिए, वो ये कि इलाके में एक वो अच्छा असर रसूख रखता था और जिदार भी था।
और इसी बिना पर शाहिद चांद और उसके दोस्तों का इलाके पर दबदबा भी कायम था, हालांकि वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस भी नहीं थे। बस शख्सियत ने उसकी एक एटीट्यूड सा था जिसने उसकी शख्सियत उभार कर रख दी थी, और वो सिद्दीक बुचा और यूसुफ घांची के इसरार पर भी एमक्यूएम पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा था, और बस यही वो वजह बनी उनकी आपस में दुश्मनी शुरू होने की, और उसके बाद उनके दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई, और फिर उनके दरमियान एक इलाकाई गैंग वॉर का सिलसिला शुरू होता चला गया। शाहिद चांद और उसके दोस्तों को हर तरह की कोशिश के बावजूद सिद्दीक बूचा और यूसुफ घांची अपने अंडर में नहीं ला सके और उन्हें खौफजदा नहीं कर सके, तो एक दिन होता यह है कि सन 2001 में शाहिद चांद का भाई शफीक चांद, जो कि शाहिद से सिर्फ एक साल ही बड़ा था, वो अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं से आ रहा था, तो उसके घर से थोड़े से फासले पर उसे उसी के इलाके में सिद्दीक बूचा, यूसुफ घांची और उसके साथियों ने शफीक चांद को रोक कर उसे अगवा कर लिया, और उसे तशद्दुद करने के बाद उसको कत्ल करके उसकी लाश नाले में फेंक दी। शाहिद चांद के बड़े भाई शफीक चांद के कत्ल की बुनियादी वजह बस ये थी कि सिद्दीक बूचा और उसके साथी ये समझते थे कि अगर इस वक्त शाहिद चांद और उसके भाइयों दोस्तों को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो एक ना एक दिन ये एक नई ताकत बनकर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। शाहिद चांद अपने बड़े भाई शफीक चांद को तलाश करने के लिए दर बदर फिरता रहा, और किसी हद तक उसको ये अंदाजा भी होने लगा था कि शायद उसके भाई को कत्ल कर दिया गया होगा। और 5 रोज बाद जब गली के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए उनकी बॉल नाले में जाकर गिरती है, और वो बॉल निकालने के लिए जब वो नाले के करीब जाते हैं तो वहां से शफीक चांद की लाश बरामद होती है। शफीक चांद की लाश जैसे ही मिली पूरे इलाके में कोहराम मच गया, क्योंकि ये तमाम भाई और इनके जितने भी दोस्त थे वो सारे इलाके में हर दिल अजीज थे, सब वहीं के रहने वाले थे, ज़्यादातर उनकी बरादरी भी थी और लोग उनको पसंद भी किया करते थे। और दूसरा ये कि उस माहौल में, उस जुन के माहौल में रहकर भी शाहिद चांद उसके भाइयों और दोस्तों को सब में मुनफरिद बना देता था, हालांकि वो सब के सब जीदार किस्म के लड़के थे। शफीक चांद की लाश मिलते ही उसकी फैमिली को, उसके भाइयों को, उसके दोस्तों को पहला शक सिद्दीक बूचा पर हुआ, और उसके अलावा यूसुफ घांची भी मशकूक था, क्योंकि ये दोनों किरदार ही थे जिनसे शाहिद चांद की तकरार चली आ रही थी, और सिद्दीक बूचा मुख्तलिफ औकात में उनको धमकियां भी देता रहा था, जबकि सिद्दीक का भाई याकूब मादा जुए का अड्डा चला रहा था, उसकी भी शाहिद चांद से एक मर्तबा तल्ख कलामी हो चुकी थी। उसके बाद कोई वजह नहीं थी कि शक इन लोगों पर ना जाए। शाहिद चांद और उसकी फैमिली, उसके मोहल्लेदार जब शफीक चांद की तदफीन से फारिग हुए तो उसके बाद उनका गुस्सा पूरे उरूज पर था, और फिर ये मुश्तइल होकर याकूब मादा और सिद्दीक बूचा के घर की तरफ गए। शाहिद चांद और उसके दोस्त आगे आगे थे तो दूसरी तरफ से सिद्दीक बूचा, याकूब मादा और उसके साथियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, और फिर आपस में दोनों तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद सिद्दीक बूचा तो मौके से ही फरार हो गया, मगर उस फायरिंग के नतीजे में सिद्दीक बूचा के भाई याकूब मादा और उसका एक साथी शौकत लाला दोनों ही मौके पर हलाक हो गए। मुश्तइल हुजूम शाहिद चांद के साथ था, उन्होंने वहीं उसके पूरे घर को आग लगा दी, सिद्दीक बूचा की दुकानों को जला डाला, जुए अड्डे को आग लगा दी। ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरे बल्दिया टाउन में दहशत फैला दी थी, और इस वाकये की बाजगश्त पूरे कराची में सुनी गई। सिद्दीक बूचा वहां से निकलने में कामयाब तो हो गया, और अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो पहुंचता है एमक्यूएम के मरकज 90 पर, जो अजीजाबाद के इलाके में था, जहां ये कहा जाता है कि सिद्दीक बूचा सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठा रहा,
मगर सिद्दीक बूचा को तंजीमी नज्म और ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की वजह से उसे तंजीम की बुनियादी रुकनियत से खारिज कर दिया गया था। इसलिए किसी तंजीमी रहनुमा की तरफ से या पार्टी लीडरान या किसी की भी तरफ से उसको कोई भी खातिर ख्वाह मुआवनत नहीं मिली। और फिर सुबह से शाम तक 90 पर बैठे रहने के बाद सिद्दीक बूचा अपनी फैमिली के साथ वहां से चला गया। और यह भी बताया जाता है कि उस वक्त तंजीम के रुकन शुजा भाई ने सिद्दीक बूचा को 7,500 की रकम से माली मदद भी की थी। शुजा भाई ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा और साथ में ये नसीहत भी की कि आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। और ये वो वक्त था जिस वक्त सिद्दीक बूचा एमकेएम के मरकज 90 से वापस चला जाता है और उसके बाद काफ़ी अरसे तक वो मंजर आम से गायब हो जाता है। शफीक चांद के कत्ल और सिद्दीक बूचा के भाई के कत्ल और सिद्दीक बूचा के इलाके को छोड़कर चले जाने का वाकया एक ऐसा बड़ा वाकया था जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि शाहिद चांद नाम का एक लड़का ऐसा भी है जो इन सब क्रिमिनल्स की आंखों में आंखें डालकर उनसे टक्कर लेने की जुर्रत रखता है। शाहिद चांद को ये अंदाज़ा था कि सिद्दीक बूचा अपने भाई याकूब मादा के कत्ल का बदला लेने के लिए ज़रूर उन पर हमला करेगा। इस वजह से पूरा इलाका खौफजदा था और बहुत से लोग तो इलाका ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन शाहिद चांद और उसके दोस्त कुछ अरसा वहीं अपने इलाके में रहे और फिर उसके बाद कराची के कदीम इलाके लियारी और लियारी में वाक़ कलरी में एक पटनी मोहल्ला है, वो तमाम लोग वहां जाकर रहने लगे। एमकेएम के मरकज़ 90 से निकलने के बाद सिद्दीक बूचा काफ़ी अरसे तक मंजर आम से गायब रहता है और फिर उसके बाद वो अपना एक गैंग तैयार करता है। अपने उस गैंग की मदद से सिद्दीक बूचा सर्राफा बाजार सदर में एक सोने की दुकान को लूटता है और उस डकैती के सोने को बेचने के बाद सिद्दीक बूचा को आमदनी जो हुई थी उससे सबसे पहले जो काम किया था वो असलहे की खरीदारी थी। शहर भर से मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ हथियार खरीदे गए, लोगों से राब्ता किया गया और फिर उस वक्त बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी की गई थी जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा हथियार शामिल था। और फिर उसके बाद सिद्दीक बूचा ने अपने गैंग को मुनज्जम करना शुरू कर दिया। ये सब तैयारी का बुनियादी मकसद शाहिद चांद से बदला लेना था और दूसरा अपने इलाके में उसका अपना जो खोया हुआ तसल्लुत था उसको वापस हासिल करना था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सिद्दीक बूचा अपने साथियों के हमरा बल्दिया टाउन पर चढ़ाई करता है और अपना जो तसल्लुत था उस इलाके में उसको कायम करने में कामयाब हो जाता है। शाहिद चांद और उसकी फैमिली इसी खदशे की बिना पर लियारी के इलाके नयाबाद मुंतकिल हो जाती है कि कहीं सिद्दीक बूचा और उसके लोग उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद ये एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला मुतवातर चलता रहता है और उनके आपस में इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे के साथियों को मारने का सिलसिला भी जोर पकड़ते चला जा रहा था। ज़्यादातर सिद्दीक बूचा की तरफ से ही शाहिद चांद और उसके साथियों पर हमला हो रहा था। मामला यहीं तक नहीं रुकता, मुतादिद लोग थे जिनकी एसोसिएशन एक दूसरे के साथ थी, उनको मुख्तलिफ मौक़ों पर कत्ल किया गया। ना सिर्फ शाहिद चांद के दोस्त अहबाब थे, रुफ़ा थे, हत्ता के शाहिद चांद के बाप को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने किसी अजीज़ के जनाजे में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। और वो जिसके जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे उसको भी सिद्दीक बूचा और उसके साथियों ने कत्ल किया था। और सन 2001 में शुरू होने वाले शाहिद चांद के बड़े भाई शफीक चांद के कत्ल से ये सिलसिला शुरू होता है और सन 2005 तक ये कत्ल व गारत गिरी, मार धाड़, एक दूसरे पर हमले जारी रहते हैं। इन तमाम कार्रवाइयों में दोनों तरफ के ग्रुपों में एक विजिलेंस का निज़ाम भी कायम हो गया था, एक मुखबरी का नेटवर्क, एक सेटअप था दोनों तरफ जो एक दूसरे की नकलो हरकत पर
और मूवमेंट पर नजर रखते थे। शाहिद चांद का बुनियादी तौर पर किसी जराइम की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन तमाम वाकयात के पेश आने के बाद उसने इब्राहिम भोलू ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, क्योंकि अब उसे और उसकी फैमिली को जीने के लिए किसी ताकतवर ग्रुप की ज़रूरत थी। बिना उनकी मदद के वो सिद्दीक बूचा और इसके साथियों के हमलों से बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त कराची में अंडरवर्ल्ड का एक दौरा था। दूसरी तरफ सिद्दीक बूचा की भी एमक्यूएम से रुकनियत चूंकि ख़त्म हो चुकी थी, तो उसने भी शुएब खान के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। एक बात काबिले जिक्र है कि शुएब खान का गैंग और इब्राहिम भोलू का गैंग इससे पहले ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, और फिर यही सिलसिला नीचे सिद्दीक बूचा और शाहिद चांद की शक्ल में उभर कर सामने आया। इस दौरान दोनों ग्रुपों में एक दूसरे पर फायरिंग करने के वाकयात भी पेश आए और दोनों तरफ से काफ़ी लोग मारे जाने लगे। तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा लोगों का दोनों तरफ से कत्ल हुआ था। सिद्दीक बूचा को इत्तला मिलती है कि किस तरह और किस वक्त शाहिद चांद और उसके ग्रुप के लोग लियारी नियाबाद करली पुलिस स्टेशन की हदूद में मिलेंगे, तो ये रेकी का सिलसिला जारी था। शाहिद चांद के दोस्तों के मुताबिक शाहिद चांद को भी ये इत्तला मिल रही थी कि सिद्दीक बूचा और उसका ग्रुप हथियारों से लैस होकर बल्दिया टाउन से उस पर हमला करने के लिए निकल रहा है, और जिस वक्त गाड़ियां निकली थी उस वक्त उनके निकलने की तमाम इत्तला शाहिद चांद को मिल चुकी थी। सिद्दीक बूचा बल्दिया टाउन से निकलने से पहले ही अपने दो मुखबिर शाहिद चांद के इलाके में एक्टिवेट कर दिए थे, और उसी मकबरी पर सिद्दीक बूचा और उसका ग्रुप दो कारों और दो मोटरसाइकिलों पर अपने इलाके से निकलते हैं और उसके घर की तरफ जाते हैं जो शाहिद चांद की बैठक थी। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले वहां मौजूद चौकीदार को काबू करके बांध देते हैं और वहीं छुपकर शाहिद चांद का इंतज़ार करने लगते हैं। वहाँ शाहिद चांद का मौजूद असलहे पर भी वो अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं, और अब अंदर सिद्दीक बूचा और उसके साथी बिल्कुल पोजीशन लेकर बैठे थे और फ़ोन पर अपने कुछ मुखबिरों के साथ रबते में थे, जो सिद्दीक बूचा की टीम घर के बाहर मौजूद थी। घर के अंदर 6 लड़के मौजूद थे, जिनमें यूसुफ घांची, शकील सपना, सिद्दीक बूचा, रफी कोहकनी और कुछ और लोग थे। ये सारे अंदर बैठे हुए थे और सबके पास क्लैशन कोफे थी। शाहिद चांद और उसके दोस्त जब पटनी जमात के इलेक्शन के सिलसिले में पटनी कंपाउंड जा रहे थे, तो उनके पास बल्दिया टाउन से शाहिद चांद के एक मुखबर की कॉल आती है कि यहाँ बल्दिया टाउन से सिद्दीक बूचा अपने साथियों के हमरा दो कारों और दो मोटरसाइकिल पर हमला करने के लिए निकला है, और आप सब लोग मोहतात रहिएगा। जब शाहिद चांद को ये इत्तला मिली तो उसने अपने मुखबिर से कहा कि जाओ और देखो और हमें मजीद इत्तला दो कि उनकी अब आगे क्या हिकमत अमली है। मुखबिर कुछ आगे पीछे हो गया और उसे कुछ पता नहीं चला। मुखबिर दरअसल एक जुआ खेलने वाला लड़का था और वो वहीं पर जुआ खेलने के लिए बैठ गया और उसमें इतना मगन हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन देना भूल गया और ना ही उसने शाहिद चांद का फ़ोन अटेंड किया। शाहिद चांद का कोई इरादा वहां जाने का नहीं था जहां उनकी बैठक हुआ करती थी। वो और उसके साथी सीधा पटनी कंपाउंड ही जाना चाह रहे थे। बहरहाल बैठक के सामने से गुजरते हुए उनकी नज़र जब बैठक पर पड़ी तो वहां गेट तो बंद था मगर अंदर लाइट जल रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन है उस वक्त वहां पर, तो वहां बैठक में तो चौकीदार भी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं होता है, और अंदर आग जली हुई थी। किसी ने कहा शाहिद चांद से कि आओ चलो देखते हैं कि कौन है उस बैठक के अंदर। शाहिद चांद के पास कोई असला भी उस वक्त मौजूद नहीं था, सिर्फ दो लड़कों के पास पिस्टल थे और वैसे भी उनका असला तो बैठक के अंदर रखा हुआ था। जब वो वहां पर पहुंचे तो सबसे आगे एक हनीफ नामी लड़का था, उसके पीछे शाहिद चांद था और उसके पीछे नौमान था।
और उनके पीछे दूसरे दोस्त थे। जैसे ही हनीफ ने दरवाज़ा खोलकर एक कदम अंदर रखा तो सीधे एक गोलियों का बर्स्ट चला जो सीधा हनीफ को लगा और उसका वही चेहरा उड़ गया और वो वहीं पर ढेर हो गया। उसके पीछे शाहिद चांद था, उसको भी एक या दो गोलियां लगी, वो भी नीचे गिर गया और उसके पीछे नोमान था, वो भी गोलियां लगने से नीचे गिर गया। और जो पीछे लड़के थे वो पीछे की तरफ भागे। जिस लड़के के पास पिस्टल था उसने गेट पर फायरिंग की कोशिश तो की मगर अंदर से शदीद फायरिंग हो रही थी। लोग बताते हैं कि सबसे पहले गेट के पीछे से जो नजर आया वो था यूसुफ घांची और उसके पीछे जो आया वो था सिद्दीक मूचा। उन दोनों ने वहां खड़े होकर शाहिद चांद, हनीफ और नोमान पर क्लैशनकोफ के बर्स्ट मारे और शाहिद चांद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चलता है कि 34 गोलियां शाहिद चांद के जिस्म में लगी हुई थी और वो तीनों शाहिद चांद, हनीफ और नोमान मौके पर ही मारे गए और उसके साथ ही वहाँ से निकलकर मामा होटल और पटनी कंपाउंड की तरफ चले गए। बहरहाल सिद्दीक मूचा और उसके साथ ही इस हमले में कामयाब हो गए और जो गैंग वॉर दोनों ग्रुपों में चल रही थी उसमें सिद्दीक मूचा का पल्ला भारी हो गया। शाहिद चांद के कत्ल के बाद ये किस्सा ख़त्म नहीं होता है। सिद्दीक मूचा अब एक अलार्मिंग थ्रेट के तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने होता है, बल्कि एमक्यूएम के लिए वो किसी एक थ्रेट से कम नहीं था क्योंकि मूचा की अब बाकायदा एसोसिएशन शोएब खान के साथ मंसूब हो चुकी थी। और ये भी कहा जाता है कि अब्दुल रहमान, जो आम तौर पर रहमान डकैत के नाम से पहचाना जाता था, उससे भी मूचा की कुर्बत बढ़ती जा रही थी। यही वो वक्त था जब एमक्यूएम हुकूमत में शामिल हो चुकी थी और उस वक्त इस किस्म के जो मतलूब मिलिटेंट्स थे उनकी बाकायदा एक फेरिस्त जारी की गई और उस फेरिस्त में सिद्दीक मूचा का नाम सरे फेरिस्त था। शाहिद चांद के मारे जाने के बाद उसके जितने भी दोस्त थे अब वो अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगे थे और उनके पास अब शाहिद चांद जैसी कोई सपोर्ट नहीं थी। उस वक्त एमक्यूएम हुकूमत में अपने पूरे उरूज पर थी, हत्ता के वजीर दाखला भी एमक्यूएम का ही था। तो अब ऐसे लोगों की लिस्ट बनने लगी जो एमक्यूएम के कारकुन थे और बज़ाहिर उनका एक बड़ा बैकग्राउंड था एमक्यूएम के साथ, मगर उसके साथ साथ उन पर एफआईआर्स भी थी। लेकिन माजी के बरखिलाफ उनके लिए हालात अब साजगार नहीं थे। एमक्यूएम की तरफ से पुलिस को ऐसे नामों की फहरिस्त जारी हो चुकी थी जो कि शोएब खान के साथ और मुख्तलिफ गैंग के साथ वाबस्ता थे और अब उनकी सफाई का अमल शुरू हो गया। पुलिस को यह कहा गया कि आप इन सब को गिरफ्तार करो और बिल्कुल सफाई करो, कोई भी ऐसा बंदा जो किसी भी गैंग के साथ शामिल है उसके लिए कोई माफी नहीं है। और फिर होता ऐसे है कि शाहिद चांद के जो दोस्त थे उनके पास किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी और अब पुलिस के पास जाते हैं और उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। पुलिस तो पहले ही हफ्ता सफाई मनाने के मूड में थी क्योंकि फेरिस्तें बन चुकी थी और गवर्नमेंट की कोशिश थी कि अब वो तमाम दादागीर अफराद पकड़े जाएं क्योंकि वो अब मुँह जोर हो चुके थे। सिद्दीक मूचा और इसके साथी आरिफ मामा और उसका ग्रुप ये सारे अपने मर्जी के कानून चला रहे थे पूरे शहर में और उनके लिए बाकायदा ऑर्डर थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। शाहिद चांद के दोस्त जब पुलिस के पास आए और चौधरी असलम से उन्होंने रब्ता किया और उन्हें इंफॉर्मेशन दी तो पहले आरिफ मामा को मारा जाता है, उसके बाद सिद्दीक मूचा, जिसके खौफ से उस इलाके में पुलिस भी नहीं आती थी, उसके लिए चौधरी असलम और उसकी टीम ने अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। शाहिद चांद के दोस्तों ने छोटी छोटी खबरें पुलिस तक पहुंचानी शुरू कर दी। उन्होंने चौधरी असलम को तमाम बातें बताई कि सिद्दीक मूचा कहां बैठ रहा है, किस तरह से आता जाता है और कहां रात गुजारता है। दूसरी तरफ सिद्दीक मूचा को भी मालूम था कि अब पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है, तो वो भी बहुत एहतियात से काम ले रहा था।
लेकिन ये कानून कुदरत है कि क्रिमिनल किसी न किसी वक्त या तो पकड़ा जाता है या मारा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हर बार बच कर निकल जाए। एक दिन सिद्दीक बूचा अपने इलाके में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था, तो वहीं उसके करीबी पुलिस के इन्फॉर्मर्स भी मौजूद थे जिन्होंने उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखी हुई थी। सिद्दीक बूचा मस्जिद से जैसे ही बाहर निकलता है, चौधरी असलम और उनकी टीम जिनमें इंस्पेक्टर नासिरुल हसन भी मौजूद थे उनकी बूचा से मुठभेड़ हो जाती है और वो वहाँ उस मौके पर एनकाउंटर में मारा जाता है। हालांकि मुबैना तौर पर यह दावा भी किया जाता है कि पुलिस उसे उस जगह से उठा कर ले गई थी, उसे मस्जिद से घसीटते हुए ले गए थे और फेक एनकाउंटर में उसे हलाक कर दिया। लेकिन उसी तरह से ये बात भी बहुत से लोगों का दावा है कि ये सिद्दीक बूचा का एनकाउंटर एक जेन्युइन एनकाउंटर था। सिद्दीक बूचा के मारे जाने से वहशत और दहशत का एक दौर ख़त्म हुआ। ये पूरा ऑपरेशन शाहिद चांद के दोस्तों की वजह से कामयाब हो सका था और पुलिस को जो कामयाबी मिली थी वो शाहिद चांद के दोस्तों की वजह से थी। शाहिद चांद के दोस्तों की भी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके और उन्होंने कानून की मदद करके ये काम किया जिससे उनको भी सुकून मिल गया और कानून ने भी अपना एक रास्ता बनाया।